सोशल मीडिया पर वायरल हुए शाम को गोली से मारने वाले वीडियो की फॉरेस्ट विभाग द्वारा पड़ताल करने के बाद पंचायत सनाही के गांव भरियाल के वीर सिंह पुत्र सोडू राम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने से गांव वाले मुखर हो गए हैं, जिसको लेकर गांव वालों ने उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर वीर सिंह पर दर्ज की गई FIR को वापस लेने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा FIR को वापस नहीं लिया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। गांव भरियाल के इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रविवार के दिन गांव भरियाल के रोशनलाल सांगल के घर मक्के के ढेर के बीच एक विशाल जहरीला सांप निकला था, जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि सांप ने परिवार की एक छोटी बच्ची पर झपटने की कोशिश की, जिस पर बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद वहां पर काफी संख्या में गांव वाले इकट्ठा हो गए और बच्ची को अपनी ओर खींच कर बचा लिया, जिसके बाद लोगों द्वारा भारतीय सेना से निवृत्त वीर सिंह को बुलाया और लोगों के आग्रह करने पर वीर सिंह ने जहरीले सांप को गोली से मार दिया। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यदि हम उस सांप को नहीं मारते तो वो सांप हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उन्होंने प्रशासन से प्रश्न पूछते हुए कहा कि यदि हम उस सांप को नहीं मारते और वो सांप किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। इंद्रजीत सिंह ने वन विभाग से FIR को वापस लेने को कहा है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि FIR को वापस नहीं लिया गया तो उपायुक्त कार्यालय के बाहर और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये बात यह है कि पिछले एतवार को हमारे नजदीक घर के नजदीक रोशनलाल के घर में एक जहरीला सांप निकला, बहुत बड़ा सांप जहरीला निकला और छलियों का ढेर वहां पर रखा हुआ था। और जब सवेर हुई तो उन्होंने छलियां इर्द गुर्द करने लगे तो उनके बरांडे में अंदर सांप जो बैठा हुआ था। उसके बाद बच्चे वहां थे, खेल रहे थे बच्चे आपस में और बच्चों को उन्हें झपट मारी, जब बच्चे चलाए जो चलाए बच्चे और उनके घर माँ बाप दादा दादी ने शोर मचाया तो बहुत बड़ा जहरीला सांप यहाँ बैठा है। और जब खेत के इर्द गिर्द वाले जो कम से कम 200 बंदा इकट्ठा हो गया और सब देख के घबरा गए कि क्या चीज़ है, तो बहुत बड़ा जहरीला सांप है, इस तो मार नहीं सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और बड़ी मुश्किल से उसको मुराया, आवाज मारी, एक बुजुर्ग वाला 500-600 मीटर दूरी घर पर था, उसको बुलाया है और भी ये बहुत जहरीला सर्प है, इसको मारा जाए, और बुलाया और उसको सांप को मारा। और उसके बाद अब वन विभाग वाले जो हैं तंग कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। अरे जो FIR दर्ज किस कानून के आधार पर की है, क्यों की है, अरे किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं होता है, किसको नहीं होता है, अरे उन्हें वन विभाग वालों ने DFO ने उसको परमिशन दी है कि इसको और मौके पर जाओ। उन्हें सब कुछ मौके पर देखा पे क्या क्या हालात है, उनके अंदर में जो जहरीला सांप मारा है उसके ऊपर केस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। और बार बार जो उनका अफसर रेंजर है DMO कुछ भी है वो आ रहा है, उसको फोन कर क्या धारा लगाइए, क्या धारा लगाए, यरे धारा क्या लगानी, उसके अंदर बड़ा हुआ सांप है, जहरीला सांप है, उन्हें मार दे, कोई गुनाह नहीं किया है, यरे उसको क्या धारा लगा, धारा लगाओ, जंगल के लगाओ, वो शिकार करने के नीली गया था, वो अपने बचाव ने उसको गोली करने पड़ी, अगर नहीं करता पनी किसको उसको मार देता है, अगर कोई बच्चा उसको खा जाता है ढीला सामान किसी बड़े को खा जाता, क्या वन विभाग उसके ऊपर जिम्मेवार था, कहाँ सोया हो बबरा, किसको बेचारे 75 साल से उम्र के बुजुर्ग को क्यों तंग कर रहे हैं, अगर इनके बजाय उनके घर पर होता, डिपार्टमेंट घर पर होता वो क्या करते हैं, हम उनसे जवाब करते हैं, आपके बच्चों को खा जाता, परिवार को खा जाता है, वो क्या करते हैं, क्या वो अपने घर परिवार वाले नहीं है, क्या क्यों तंग कर रहे हैं, कोई मारा तो गुनाह नहीं किया है, घर में मारा है, एक्ट साहब से हम ये अर्ज करते वन विभाग से जो उन्होंने केस लिया है उसको वापस किया जाए, उसको बेबस तंग ना किया जाए, एक वीर सिंह नहीं है 200 वीर सिंह वहां खड़े हैं, हम उसके पब्लिक उसके साथ खड़ी है, और जिन्होंने वन विभाग ने FIR दर्ज की है बड़ी हम मेहनती करते हैं उसका FIR दर्ज को वापस लिया जाए और उसके वीर सिंह की शांति भंग ना किया जाए, वो आगे परेशान है, आगे वो बीमारी से बहुत परेशान है, इसलिए हम अर्ज करते हैं बार बार जो भी इसने वन विभाग ने उसके ऊपर FIR दर्ज किया वो वापस लिया जाए, अगर उसके घर में होता वो क्या करता, कौन एक्ट लगाता है, एक्ट लगाते जंगल में होता तो एक्ट लगाते हैं, अरे घर में मारा है, इसने क्या गुनाह किया है, दुश्मन कौन नहीं मारता है, आज देखो लद्दाख में क्या हो रहा है,
तो उतरने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हमारे को न्याय होना चाहिए। और जो बार बार मैं ये अर्ज करता हूँ, जो वन विभाग ने एफ आई आर दर्ज की है वो वापस लिया जाए। वो वन डी एफ ओ जो है उसकी अपनी अर्जी को वापस लिया जाए और इसको खारिज किया जाए। वहीं गांव भरियाल के सुनील कुमार और महिलाओं ने कहा कि गांव वालों के कहने पर ही वीर सिंह ने जहरीले सांप को गोली से मारा था। उन्होंने कहा कि यदि वन विभाग को एफआईआर दर्ज करवानी ही है तो उन सभी लोगों पर की जाए जिन्होंने वीर सिंह को सांप को मारने को कहा था। उन्होंने वन विभाग से आग्रह करते हुए कहा कि एफआईआर को वापस लिया जाए, अन्यथा गाँव के समस्त लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के पास इस समस्या को लेकर जाएंगे। जहरीला सांप जो जहरीला सांप मारा हुआ है उसके ऊपर जो हमारे गाँव के बुजुर्ग के साथ जो केस लगाया हुआ है उसके बारे में हम डीसी ऑफिस में मिलने आए हैं डीसी से और इसकी कंप्लेंट करने आए हैं कि वो खारिज किया जाए, केस खारिज किया जाए। हमारी डीएफओ मैम से यही गुजारिश है कि जो केस उन्होंने वीर सिंह के ऊपर दायर किया है उसको हटाया जाए, उनको इस केस को खारिज किया जाए। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सेल्फ डिफेंस में आके उन्होंने अपने आत्मरक्षण के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए उस सांप को मारा है, तो ये कोई गलती नहीं की है। अगर वो इस सांप को नहीं मारते तो शायद वो किसी बच्चे को, किसी आदमी को नुकसान कर देता। तो क्या इस बात के लिए सरकार जिम्मेवार होती, प्रशासन जिम्मेवार होता? तो अगर हमें न्याय चाहिए, 70 साल का एक आदमी इस टाइम मानसिक रूप से इतना परेशान है कि हम आपको बता नहीं सकते। और हम किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार होता है तो सारा परिवार जो है परेशान रहता है। उसी हिसाब से हमारे गांव का एक व्यक्ति जिसने कि किसी की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है तो उसको बार बार प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो हमारा एसपी साहब से, डीएफओ साहब से और यहाँ तक कि सीएम साहब से यही गुजारिश है कि उनके इस केस को खारिज किया जाए, उनको बिल्कुल मानसिक परेशानी नहीं दी जाए। बस यही एक, अगर हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम सारे के सारे लोग, पूरे गांव वाले, हम सीएम साहब के पास जाएंगे, हम सड़कों पे धरना देंगे, हम डीसी ऑफिस में आके धरना देंगे। हमें न्याय चाहिए, हमारी बस यही एक मांग। समस्या यही है कि हमारे घर में उधर सांप निकला था गाँव में, तो फिर उसको मार दिया, तो इसमें क्या जुल्म किया उसने? और बुलाया था वो उसको घर में, तो तभी आए, वो ऐसे नहीं आए थे। और पूरा गांव एक साथ है, सभी एक साथ चले हैं। और जो नहीं, आपने उनको नहीं न्याय करना है तो हम धरना देंगे। और 70 साल का है वो बुजुर्ग, और इसका अटैक का मरीज भी है वो, हार्ट अटैक का। और उसको अटैक हो जाए तो कौन जिम्मेवार? घर में अकेले रहते हैं, घर में अकेले रहते हैं ये लड़कियाँ, तो इनकी तो शादी हो गई है। आई है तो अपने, ये तो बुलाई है तभी आई है। और उनको भी किसी ने बुलाया तभी आए ना, वो नीचे गांव में गए थे बुलाने तभी आए थे वो। उनको सजा होगी तो सभी को सजा दिया जाए ना, उनके पास ही आ रहे हैं बार बार, तो उनको तो सभी परेशानी हो रही है। तो सजा होगी तो सभी गांव वालों को होगी, सभी गांव वाले साथ चले। हमें यही है कि न्याय चाहिए, जो ये जो केस किया गया है ये कुछ भी है ना, उसको खारिज किया जाए, या तो करना है तो पूरे गाँव के ऊपर कर ले, जो भी केस करना है, जो भी केस होगा तो पूरे कार्रवाई करनी होगी तो पूरे गांव के ऊपर करें आके।